हेलो एवरीवन, अब मैं एक पैराग्लाइडर के साथ हूँ एंड आई कैन से दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर्स राइट नाउ. सो सर, अपना नाम बताइए. अमित कुमार सर. अमित कुमार. सो मिस्टर अमित कुमार, कितने साल हो गए आपको पैराग्लाइडिंग करते हुए? मुझे सर 6 साल हो गए ये काम करते हुए. तो पैराग्लाइडिंग के लिए आपने कुछ स्पेशल, यू कैन से आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली थी इसके लिए? सर यहीं से हमने ट्रेनिंग किया. और उसके बाद फिर हमने अपना सीखते गए, अपना इक्विपमेंट लिया. और अपना इक्विपमेंट लेने के बाद हमने यहाँ पे अभी लास्ट वीक 25 और 26 को यहाँ पे हमने 200 गेन किया. 200 किलोमीटर बाय एयर. 200 किलोमीटर बाय एयर. दैट्स आई कैन से इट्स अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. हेयर लोकल रिकॉर्ड. लोकल रिकॉर्ड. सो यू आर अ लोकल रिकॉर्ड, सो आई मस्ट शेक हैंड विद यू. सो वन गाय मोर, ही गॉट 228 किलोमीटर. सर ये जो आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होती है? क्वालिफिकेशन इसमें मैटर नहीं करता है. 10+2. ओके. तो क्या मतलब फिजिकल फिटनेस में क्या? फिजिकल फिट होना चाहिए. रनिंग. ओके. और क्लाइंबिंग. तो ये जो पैराग्लाइडिंग है, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं कौन कौन से लिए हुए? ये सर बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं हमें. ओके. ये एक जो पैराशूट है कितने का आएगा? ये सर 3.5 लाख का किट रहता है, 2 सीटर. और 3.5 लाख का किट. ओके, विद कैमरा. जी जी. ओके. तो इसका जो आप चार्जिंग करते हो, क्या चार्जिंग करते हैं, क्या हिसाब किताब? इसका सर 3000 पर पर्सन के हिसाब से रहता है चार्जिंग. पर पर्सन. और कितने मिनट की फ्लाइंग होती है? ये मिनिमम 20 मिनट का फ्लाइंग रहेगा. ओके. और ये वाला राइड जो है. ओके. और ये जाएगा आपका हाफ एन आवर तक. हाफ एन आवर. ओके. और एक और राइड रहता है क्रॉस कंट्री राइड, लॉन्ग राइड, जिसमें हम डिस्टेंस कवर करेंगे. ओके. वो राइड आपका 5000 से लेकर 10000 तक रहता है. 5000 to 10000. ओके. That's a great thing. So I can say that he is the one of the most experienced paragliders. तो सर, अगर जो जिनको डर लगता है, क्या उनको पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए? जी करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. मैक्सिमम लोग 2 कदम के लिए डरते हैं. हाँ जी. उसके बाद मैक्सिमम लोग. तो जैसे मैंने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं किया, तो क्या अगर मेरे को जैसे ऊंचाई से ज़्यादा डर नहीं लगता, बट फिर भी यहाँ पर ऊंचाई देख के तो थोड़ा डर लग रहा है, तो क्या मेरे को पैराग्लाइडिंग करने का आप रिकमेंडेशन करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, करेंगे आप. ओके. सो इसके कुछ इसमें प्रॉब्लम आता है, कभी वेदर खराब हो जाता है तब आता है प्रॉब्लम. बैक की जब 2 सीटर में जाते हैं हम लोग. ओके. तो 2 सीटर में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं. ओके. मैक्सिमम सेफ फ्लाइंग करते हैं. तो साथ में एक पैराशूट एक्स्ट्रा भी होता है? जी, एक्स्ट्रा पैराशूट रहता है, सेफ्टी पैराशूट. ओके. ओके. तो यहाँ पर अभी कितना साल हो गया अभी सब कुछ करते हुए? ये मुझे सर 6 साल पैराग्लाइडिंग मेरा करियर हो गया. और यहाँ पे ये 84 में हैंड ग्लाइडिंग हुआ था, उसके बाद फिर पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो. ओके. तो अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है यहाँ पे? अभी मेरे पास 7 लोगों की टीम है. 7 लोगों की. तो सारे एक्सपीरियंस पर्सन. जी. ओके. तो यहाँ पर आप इंचार्ज रहते हैं? जी बॉस. ठीक है. बाकी और भी कंपनीज हैं, हमारा अपना कंपनी है, बाकी और भी यहाँ पे 7-8 कंपनीज हैं. ओके. ओके. सो यू कैन से कि ब्यूटीफुल व्यू है सर यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया व्यू है. बेस्ट फॉर और क्रॉस कंट्री लर्निंग के लिए बेस्ट साइट है. ओके. डिस्टेंस कवर जो फ्लाइंग करते हैं हम. ओके. ये जो रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये रास्ता सर राजगुंदा करके पहले प्लेस है एक. Okay. पीछे गांव पड़ता है. गांव पड़ता है. रोड नहीं जाता है. रोड तो है बट कच्चा है. Okay. कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाता है. Okay. ट्रैकिंग तो वहाँ पर है क्या? वहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करवाते हैं हम. ट्रैकिंग और नेचर भी हुए. तो वहाँ पर क्या कॉस्टिंग पड़ती है ट्रैकिंग वगैरह की? ट्रैकिंग का सर ये रहेगा आपका पर डे के हिसाब से रहेगा आपका. फिर भी कितना होगा? पर डे पर पर्सन के हिसाब से आपका 2500. तो मैं मेरे ख्याल से कह सकता हूं ट्रैकिंग और कैंपिंग. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट. जी जी. ठीक है. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. सो दिस वॉज एन इंटरव्यू विद मिस्टर अमित. ही इज अ एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर ओवर हियर एंड वी ब्रिंग यू मोर वीडियोस इन कमिंग शॉर्ट वाइल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.